रिंग लगाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मैं बजाज की सारी बाइकों में जो रिंग लगाता हूं वो सेम इसी तरीके से लगाता हूं, तो फुल वीडियो आप लोगों को देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बजाज की जो बाइक होती है उसके पिस्टन में रिंग कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास पिस्टन है ये है बजाज सिटी 100 का। मैं सभी बाइकों में सेम रिंग इसी तरीके से लगाता हूँ जो बजाज की बाइक है। तो अब ये जो पिस्टन है, पिस्टन पुराना है, क्योंकि इस पिस्टन में मुझे सिर्फ रिंग चेंज करना था, बाइक हल्का धुआं मार रही थी। तो सबसे पहले जो रिंग लगाना है वो एक्सपेंडर रिंग लगाना है। यहाँ पे जो M बनेगा एक्सपेंडर रिंग का, वो नीचे की साइड में लगाना है। देखो M, ये W बन रहा, इसको घुमाएंगे तो ये M बन जाएगा। ठीक, ये M एक्सपेंडर रिंग है। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। इसको किस जगह पर लगाएंगे यहाँ पर गौर करना आप लोग। तो इसका जो एक मिनट, कभी भी आप लोगों को पिस्टन में रिंग लगाना है, पुराना पिस्टन में अगर रिंग लगा रहे हो तो सबसे ज़रूरी और मेन काम क्या है वो पता है, ये जितने भी होल देख रहे हैं इन होल को सारे को क्लीन कर लेना, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये देखो इधर भी ना, ये पिस्टन को इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन करना कि जब रिंग चेंज करो तो काफ़ी समय तक बाइक धुआं ना मारे। एक ये तार ले लेना और उसके बाद तार से ये देखो इस तरीके से मैंने सारे होल को क्लीन किया हुआ, सारे होल जाम थे। अब प्रॉब्लम क्या होती वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जो होल है वो क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। और सारी रिंग जहाँ पे लगती है उस जगह पे हमने बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया। ये काम करोगे तो बाइक जो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चला सकते हो, बाइक का धुआँ मारेगी नहीं। तो मैंने M बनाया है एक्सपेंडर रिंग का, वो मैं लगा रहा हूँ इस जगह पर। सारी चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में बहुत फुल तरीके से बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सा कमेंट्स कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो मैंने एक्सपेंडर रिंग लगाई है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका मैंने गैप जो है कट, देखो ये इसके यहाँ पर रखा, मतलब ये कार्बोरेटर साइड का है, ये यहाँ पर मैंने एक्सपेंडर रिंग रखी। ठीक, EX लिखा हुआ, ये हमारा साइलेंसर साइड में जाएगा। और ये जो पतली वाली रिंग है, अब ये जो पतली वाली ऑयल रिंग है इसको भी लगाने का तरीका है, चलो वो बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। देखो ये जो कट है ये ऊपर की साइड में जा रहा है इस तरीके से, और ये इस तरीके से मैं दबा रहा हूँ तो नीचे की साइड में। तो हमको इसको नीचे की साइड में रख के लगाना है, मतलब जो कट जा रहा था वो नीचे की साइड में दबना चाहिए, स्प्रिंग जो बनेगी वो नीचे की साइड में। अब इसका जो कट है यहाँ पर रखना है नीचे, एक्सपेंडर रिंग के नीचे ऑयल रिंग रहेगी पतली वाली सबसे, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और जो इसका कट रखा हुआ ये यहाँ पे देखो ये, तो अभी मैंने दो रिंग इसमें लगा लिया है। अब जो तीसरी रिंग लगाते हैं, चलो ये सही से बैठी नहीं है ये वाली, एक मिनट मैं इसको सही से बैठा लेता हूँ। यहाँ से नहीं बैठी है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ेंगे और इसको नीचे की साइड, ये अभी ये बैठ गई। ठीक, दो रिंग मैंने लगा लिया। अब ये जो पतली वाली एक और रिंग है ये, अब इसको देखते हैं ये किस साइड में जा रही है। ठीक, ये नीचे की साइड में, और इसको घुमाएंगे पलटी करेंगे तो ये जाएगी ऊपर की साइड में। तो मैंने पलटी कर लिया और मैं इसका कट यहाँ पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे। ठीक, तीन रिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका जो मैंने कट रखा हुआ है वो ये और ये, तीन रिंग कंप्लीट। अब हमको लगाना टॉप वन और टॉप टू, देख लेना किस तरीके से रिंग लगाइए। बजाज की बाइक है ये, टॉप टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लैक वाली जो होगी वो टॉप टू होगी। इसका कट हम रखेंगे इस जगह पे, टॉप टू देखना ऊपर की साइड में आना चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये मैंने ये लगा दी टॉप टू, और टॉप टू का कट इस जगह पे। अब टॉप वन बची हुई है, तो ये है टॉप वन, यहाँ पे दिख रहा टॉप वन, इसको ऊपर की साइड में लगाएंगे और इसको इस तरीके से फिट कर देंगे। ये टॉप वन हो गई, इसका कट यहाँ पे है ये। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी रिंग लगाई है, देख सकते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
फाइनली मैंने बाइक के पिस्टन में रिंग लगा दिया है। रिंग कैसे लगाना है वो चीज़ आप लोगों को वीडियो में फुल जानकारी मिल गई होगी। देखो बजाज की जो बाइक होती है सारी बाइकों में, चाहे वो 100 सीसी हो, चाहे 125 हो या 150 सीसी हो, सभी बाइकों के पिस्टन में रिंग जो है मैं इसी तरीके से लगाता हूँ। और क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो तो आप लोगों को वीडियो मैंने बताया, पिस्टन में जितने भी होल हैं सबको क्लीन कर लेना, तभी जो है पिस्टन में रिंग लगाना। नए पिस्टन है तो वो तो क्लीन रहता है, जो पुराना पिस्टन होता है उसकी जो रिंग होती है ना, रिंग जो पुराने पिस्टन में नई रिंग डालते हैं तो उसका जो होल होता है वो बंद होता है। अगर वो बंद होल में आप लोगों ने नई रिंग लगा दी तो ज़्यादा समय तक रिंग नहीं चलती है, बाइक धुआं मारने लगती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, कभी भी पिस्टन में रिंग चेंज करना, जो होल है सारे होल को क्लीन कर लेना। अगर होल क्लीन नहीं करते हो तो देखो वो होल से क्या होता है कि हल्का हल्का से जो ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल, वो रिंग पे जाता है उसी होल से। अब जब वही नहीं क्लीन होगा तो रिंग कहाँ ज़्यादा चलेंगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, बाइक वापस से धुआं मारना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया काम है जो मैंने जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से करके देखना, और काफ़ी समय तक रिंग चल जाती है। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।